डिस्क्राइब सेप्टेम्बर 23। द सेप्टेम्बर 23 पेपर कंटिन्यूएशन। डिस्क्राइब हाउ अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस एंटी मलेरिया मेडिकेशन कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द सेम प्रोडक्ट ग्लोबली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है और कौन सा है थर्ड डिग्री, लिखना स्टार्ट करो। एटलीस्ट ट्राई टू राइट 4-5 पॉइंट्स सो दैट यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ टाइपिंग, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंसर्न है स्टूडेंट्स का आई फील। बट इसमें ना क्वेश्चन देखो थोड़ा स्पेसिफिक है, तुम लोग अच्छा हुआ मटेरियल खोल लिया। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्क्राइब क्या है ये, हाउ अ कंपनी। तो ये तुम लोग को पूरा, तुम लोग जब एक लाइन लिखोगे तुम लोग बोलोगे कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसका ना हमने वो किया था, क्या बोला तुम, नहीं बट कुछ कंडीशन किया था हमने कि वो कुछ कंडीशन ट्रू होने पड़ेंगे, वो कुछ कंडीशन ट्रू होने पड़ेंगे तब जाके ही वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो तुम लोग कैसे स्टार्ट करोगे, इनिशियली तुम लोग स्टार्ट करोगे कि यह ड्रग्स कंपनी, ये जो ड्रग कंपनी है एंटी मलेरिया मेडिकेशन, उसको डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देयर नीड्स टू बी सर्टेन क्राइटेरियाज और कंडीशंस दैट नीड टू बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर फॉर द कंपनी टू डू सो। एंड देन 1, 2, 3 तीन कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या बोलता है, दे हैव द मार्केट पावर टू सेट इट्स ओन प्राइस। तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं बोलो। बट इस रिस्पेक्ट में क्या है, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है मेडिसिन, तो क्या यहाँ तुम लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, नहीं है, बिकॉज देर आर अदर फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो देर ऑलिगोपोली हो सकते हैं, देर माइट बी अदर कंपनीज which are also able to make this anti-malaria medication. हाँ ठीक है, वो सब perfect info उतना details में नहीं, so it can be either an oligopoly or it has to be an oligopoly only. कि हम लोग generally बोल सकते हैं कि pharmaceutical sector में oligopolies work करते हैं, few large firms होते हैं, तो firms operating in oligopoly they do have some degree of control over the price. तो यहाँ तुम लोग को इंडस्ट्री से रिलेट कराना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये हो गया पहला पॉइंट जहां इलाबोरेट किया। अब तुम जो इलाबोरेट करी थी वो तुम उसको डिफाइन करी थी, तुमको मॉडल के रिस्पेक्ट में बोलना है। पॉइंट टू क्या है, किस हिसाब से, मतलब मार्केट सेपरेबल कैसे होगा, एक्सप्लेन। करेक्ट, सो द मार्केट शुड बी, सबको क्लियर हो रहा है ना, तुम लोग ज्वाइन इन लिखा, एक बार लिख दो खाली बस ज्वाइन इन। मार्केट शुड बी सेपरेबल, वन मार्केट या वन कंट्री शुड बी सेपरेबल फ्रॉम अदर कंट्री। अब यहाँ हम लोग कंट्री बेसिस पे कैसे कर सकते हैं, एक हो सकता है डेवलप्ड नेशन, हाई इनकम नेशन, एक डेवलपिंग नेशन, लो इनकम नेशन। तो ऑब्वियसली लो इनकम नेशन में हम लोग लेस प्राइस में सेल करेंगे और हाई इनकम नेशन में हम लोग हाई प्राइस पे सेल करेंगे, ठीक है। सो दे मस्ट बी एबल टू सेल एट अ लोअर प्राइस इन दिस एंड हायर प्राइस, एंड देर शुड बी नो रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज। एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता विदाउट, यू कैन नॉट सेल लो इनकम में जाके तुम बेच दिया, अब उधर जाके तो हाई उन लोग नहीं बेच सकते ना, क्यों नहीं बेच सकते वो भी तो बताओ। नहीं गलत, एक लो इनकम नेशन में तुम दवाई जाके बेच दिया एट अ लोअर प्राइस, अब ये नेशन के लोग इसी दवाई को हाई प्राइस में नहीं बेच सकते इन अ हाई पेइंग कंट्री, क्यों नहीं बेच सकते।
क्यों नहीं बेच सकते? क्या तुम खरीदोगे? अगर अफ्रीका से कोई तुम्हें दवाई बेचेगा, तुम खरीदोगे रैंडमली किसी सिटीजन से? सो इट कैन नॉट बी सोल्ड इफ इट्स नॉट ऑथेंटिक. अगर कोई डिफरेंट ब्रांड नेम है, सेम ब्रांड नेम सेम पैकेजिंग से नहीं बेच सकता अनलेस दे हैव अ लाइसेंस टू सेल द मेडिसिन. करेक्ट? सो दिस विल प्रिवेंट द इंटर कंट्री सेल. ये सब तुमको रिलेट कराना है इससे. तुम बेसिक बोल रहा है, तुम उसको डिफाइन कर दे रहे हैं एक लाइन डेफिनेशन का और एक लाइन रिलेटिंग टू द केस स्टडी. तब जाके तो 1 मार्क मिला उस पॉइंट का, 2 लाइन लिखने से. थर्ड पॉइंट, इलास्टिसिटी दोनों मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी डिफरेंट सो दैट दे आर एबल टू चार्ज अ हायर प्राइस इन हाई इनकम कंट्री एंड लो. वहां पे क्या होगा? इलास्टिसिटी कम होगा, इन इलास्टिक होगा. एंड इन केस ऑफ लेस डेवलप्ड वहां पे प्राइस इलास्टिक होगा. सो काफी वो मलेरिया का सीवियरिटी ज्यादा है, तो इलास्टिसिटी इलास्टिक कम. नॉट नेसेसरीली. देखो, सिवियरिटी हो सकता है लो इनकम में ज्यादा होना चाहिए आइडियली, क्योंकि वहां पे मलेरिया क्या होता है. नहीं तो तुम ये नहीं रिलेट करो इधर, ये गलत है. तुम यहाँ ये बोल सकता है, अगर तुमको इसमें इलाबरेट, आई डोंट थिंक इसमें तुमको कुछ ज्यादा है. तुम बोल दिया ऑलरेडी कहाँ हाई होना चाहिए कहाँ लो, बस तुमको ये बताना है हाई इनकम कंट्री में तुम्हारा लेस इलास्टिक होगा. इधर क्यों होगा लेस इलास्टिक? बिकॉज यूजली हम लोग ये, मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग या समथिंग, बट इंडिया में अपने क्या दिखते हैं साउथ में, इफ यू इंडिया छोड़ो, तुम लंदन का बात करो एंड इंडिया का बात करो. लंदन में, यूके में, यू विल नॉट गेट एनी मेडिसिन रैंडमली इन अ शॉप. दे विल आस्क फॉर अ प्रिस्क्रिप्शन. इंडिया में क्या, कोई भी दवाई जाओ मिल जाएगा, है ना? इंडिया में बुखार होते हैं डॉक्टर को नहीं दिखाते, वहां पे फॉर इवन स्मॉल थिंग दे गो टू डॉक्टर्स, राइट? बिकॉज वाई वाई इज दैट थिंग कमिंग इन? हाई इनकम लो इनकम एंड अगेन एडुकेशन लेवल ऑल्सो मैटर्स. तो वो चीज है, समझा? ये नहीं कि मलेरिया आउटब्रेक एक कंट्री में ज्यादा है, उससे तुम्हारे इलास्टिसिटी पे नहीं अफेक्ट होगा. उससे इलास्टिसिटी भी ऐसे हो सकता है तुम्हारा लेस इनकम कंट्री में मलेरिया आउटब्रेक ज्यादा है, बट पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड मलेरिया मेडिसिन, तो ऑब्वियसली वहां पे प्राइस इलास्टिक. अब वो डेली का खाना खाएंगे कि मेडिसिन खरीदेंगे? फिर भी अगर एकदम ही अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? ठीक है, क्लियर है? 4 कैसे लिखोगे पॉइंट्स? एनी डाउट? 4 मार्क, 4 डिस्टिंक्ट पैराग्राफ्स. ठीक है, पहला पैराग्राफ में मार्क्स कहाँ मिला? यूज द वर्ड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीट्स दिस कंडीशन एंड देन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो. इन्फ्लेशन इज 0%. ओडन इज विलिंग टू लेंड इफ इंटरेस्ट रेट इज एटलीस्ट 6%. तो ये आपका इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन है, और ये हम इंटरेस्ट रेट बोल रहे हैं. आर आई से डिनोट कर दो. एंड श्रेया वुड लाइक टू बोरो इफ द रेट इज लेस देन और इक्वल टू 6%. एक जन लेंड करेगा अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6% है, एक जन बोरो करेगा इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 6%. तो कट ऑफ पॉइंट 6% हुआ जब दोनों जन मिलेंगे एक दूसरे से, एक जन लेंड करेगा एक जन बोरो. दे अग्री ऑन टू अ लोन बिटवीन वन एंड अदर एट अ रेट ऑफ 6%. एक सेकेंड देखने दो, ये हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? तुम लोग अभी तक नहीं पढ़े हो ना इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, रैशनल रैशनल एक्सपेक्टेशन, वो सब नहीं पढ़े हो ना? नहीं पढ़ो. ये वाला कर सकते हैं बट पूरा तुम लोग को फील नहीं आएगा क्वेश्चन का. सो लेट्स नॉट डू दिस टुडे. 32 नहीं करेंगे. फिस्कल डेफिसिट ये सब भी नहीं किया तुम लोग अभी तक. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, ये वाला करो. 34 मैं लिख लेती हूँ एक जगह पे, कौन सा नहीं कर रहे.
हाउ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस, ये वाला करो 6 मार्क्स पे. 6 मार्क्स मतलब गुड 6 पॉइंट्स.
employers and employees across job and the requirements of this now creating a job information to our own risk of the same experience. If you bring up the development of skin, if the government depends on the government, but between 5.9 class of going, is training skill, training up. चलो मेरा प्रिंट आउट हो गया, सब हो गया, अब एकदम एक घंटा कंटिन्यूस करो क्लास और फिर जाओ. बोलो क्या चार पॉइंट लिखे हैं. हाउ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट लाइन, फर्स्ट लाइन ही तुम्हारा गलत है. पहले हाँ क्या करेक्ट, नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या उसको डिफाइन करो. इट इज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम. ये तो बोलो, ये बोल दिया. These are the people who don't want to accept, are not willing to accept the job. अब causes क्या है, क्या क्या होता था. Seasonal, frictional, structural. Unemployment is considered, ये होता है basically. अब तुम लोग कैसे बोलोगे कि इन तीनों को focus करके seasonal कैसे reduce करें, frictional कैसे reduce करें, structural कैसे reduce करें, क्या बोल सकते हो और बोलो. हाँ बोलो बोलो. टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने से क्या होगा.
ये जैसे बोला सोशल मीडिया, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, ये हो गया स्ट्रक्चरल. सो यू नीड टू, हाँ यू नीड टू बी स्पेसिफिक एंड देन यू नीड टू गिव एन एग्जांपल कि ये कैसे हो सकता है. यूज अ सोशल मीडिया लाइक यू हैव लिंक्डइन, राइट? तो उस हिसाब से यू हैव सोशल मीडिया नेटवर्क जहाँ पे आपके जॉब सीकर्स भी आएंगे, जहाँ पे आपके जॉब गिवर्स भी आएंगे. और इससे आपका एक चीज और होगा जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, इसी को और इलैबोरेट करें, टाइम ऑफ सर्च हमारा रिड्यूस होगा. टाइम ऑफ सर्च कैसे रिड्यूस हो सकता है, ये कनेक्शन बिल्ड ऑन करने से और एडवर्टाइज करने से कि कौन जॉब. और इसी पॉइंट को इलैबोरेट कर लो ना और थोड़ा. नहीं, हाँ कर सकते हैं बट वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए. और बोलो फिर, और क्या पॉइंट हो सकता है बोलो. वेरी गुड, ये हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट रिड्यूस करने से दीज पीपल विल नॉट गेट द बेनिफिट्स एंड सो दे विल एक्सेप्ट द जॉब. करेक्ट, वेरी गुड, उनका वेज एक्सेप्टेबिलिटी विल फॉल. वेरी गुड. और एसी का रिमोट है क्या वहां पे पीछे कहीं? हाँ पीछे लेना जाके. कितना पे है? एक कम कर दो और, मेरे को बहुत ही सफोकेशन लग रहा है इस रूम में ना. वहीं रखो. और क्या बोल सकते हैं बोलो? स्ट्रिक्ट स्किल ट्रेनिंग कर सकते हैं, पर स्किल ट्रेनिंग कौन सा रिड्यूस करेगा? वॉलंटरी कि तुम्हारा फ्रिक्शनल कि तुम्हारा स्ट्रक्चरल? एनकरेजिंग पीपल, करेक्ट, स्ट्रक्चरल कम करेगा क्योंकि स्ट्रक्चरल नहीं, उसे यूजली क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया कंज्यूम. हाँ तो वो तुमको रिलेट करना होगा, जस्ट कैन नॉट से चेंज इन टेक्नोलॉजी. तो स्ट्रक्चरल ऐसे. और क्या कर सकते हैं? स्किल सेट इम्प्रूव करके, ताकि एंड उनको मोटिवेट करके कि वो लोकल एरिया छोड़ के अपने उन एरियाज में शिफ्ट हो जहाँ पे जॉब्स हैं. तो मोबिलिटी ऑफ लेबर इंक्रीज करना और बेटर इन्फॉर्मेशन. यू ऑल कैन ऑल्सो टॉक, अनम्यूट एंड यू ऑल कैन ऑल्सो गिव पॉइंट्स दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, क्योंकि आज स्पीकर सही है, सो यू ऑल कैन अनम्यूट एंड टॉक. और बोलो. मिस, अच्छा वो जो वॉलंटरी वाला था ना, वॉलंटरी में अपने फ्रिक्शनल या वॉलंटरी जो होता है, इसमें हम लोग वही वाला पॉइंट जो ऊपर में डिस्कस करते हैं सोशल मीडिया एंड ऑल इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो इसी में आ जाएगा. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यूजली होता क्यों है? लोग जॉब चेंज करते हैं, स्विच करते हैं, क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर करंट जॉब. तो उनको बेटर जॉब चाहिए, है जॉब बट उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो ब्रिजिंग द गैप, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हटाना. और क्लियर है? एक बार इसको रीड कर लो चलो आंसर को. ये देखो, इनका ये वाला अच्छा नहीं था, इन्होंने तीन पैराग्राफ लिखा है. आई विल सजेस्ट सिक्स पैराग्राफ्स. हाँ सिक्स पैराग्राफ्स, दो दो पॉइंट, दो दो लाइंस का. ये एक आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग जब CT1 SP ऐसे पेपर्स लिखते हैं, हम लोग टारगेट हमेशा करते थे 6 मार्क्स से तो 12 पॉइंट, ये टारगेट होता है हमेशा फॉर थ्योरी क्वेश्चन एंड एक्चुअल. तो ये अगर आ रहे तो आप 6 पॉइंट्स भी अगर लिख रहे हो, बट ईच पॉइंट हैज 2 पॉइंट्स या सम पॉइंट्स हैव 1 लाइन, तो वो आपको 0.5 देगा. तो एक लाइन लिखा, फिर उसका एग्जाम्पल लिखा, एक्सप्लेनेशन लिखा, वैसे कर करके हो जाता है. अब अगर हम लोग जैसे फर्स्ट पॉइंट के बारे में बहुत बोल रहे थे, तो उसको आप दो पैराग्राफ में स्प्लिट कर सकते हो, मेकिंग श्योर कि नो पॉइंट इज रेपिटेटिव इन एनी अदर वे. इंग्लिश ही लिख रहे हो बट एक A+B लिख रहे हो, एक B+A लिख रहे हो, वो नहीं कर सकते. बट हाँ, बट तुम्हारा पॉइंट्स यूनिक, हाँ पॉइंट्स यूनिक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिमिलर पॉइंट्स सेम लाइंस पे लग रहा है पॉइंट्स, वो नहीं होना चाहिए. करो इसको, देन वी मूव टू नेक्स्ट. मुझे देखने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर पाओगे क्या? नेक्स्ट कर लेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे आंसर करना है ये सारी क्वेश्चंस को? नेक्स्ट क्वेश्चन 35.
हाँ ये कर सकते हैं. डिस्क्राइब द मार्केट स्ट्रक्चर दैट वुड मोस्ट क्लोजली रिप्रेजेंट अ डेंटल प्रैक्टिस ऑपरेटिंग इन अ लार्ज टाउन. इन अ लार्ज टाउन 5 मार्क्स है. ठीक है, एटलीस्ट तुम लोग एक एक पॉइंट लिखो तो देखते तुम लोग एटलीस्ट पॉइंट्स जनरेट कर पा रहे हो क्या. जो भी क्वेश्चंस हम नहीं अटेम्प्ट करे वी विल डू दैट लेटर वंस यू फिनिश द मैक्रो फ्यूजन. तुम लोग एवरी डे 2 वीडियो का टारगेट बनाया है ना. एक घंटे की क्लास में मेरा 40-100 मैसेजेस हो जाते हैं व्हाट्सएप में. ऑब्वियसली इतने फ्रेंड्स नहीं है भाई मेरे. करो मार्केट स्ट्रक्चर. अब पता है तुम लोग ने यहाँ पे कैसे, एक बार सुन लो कैसे यहाँ पे तुम लोग बनाओगे आंसर को. ये बोली सुनते ही ओलिगोपोली, तो ये क्या करेगी, लिखेगी द मार्केट स्ट्रक्चर कैन बी ओलिगोपोली. देन शी विल ट्राई टू डिफेंड, शी विल गिव 3-4 पॉइंट्स टू डिफेंड दैट दिस इज ओलिगोपोली. नाउ ये कभी भी ना ओपन एंडेड ओपन क्वेश्चन नहीं दो कि ना क्लोज क्लोज क्वेश्चन मत दो क्लोज एंडेड कि भाई ओलिगोपोली बस खत्म. करेक्ट, तुम लोग पहले 3-4 पॉइंट्स लिख दिया कि क्यों मोनोपोली है. करेक्ट, अब तुम लोग लिखोगी हो सकता है ऐसा ऐसा सिचुएशन हो सो इट कैन बी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज देयर. ठीक है, ओपन एंडेड रखना है क्वेश्चन, तो इससे तुम लोग का पॉइंट्स भी बन जाएगा 5 मार्क्स के लिए. स्मॉल टाउन होता है तो बल्कि तुम ये क्यों नहीं बोल सकते मोनोपोली है. क्या बोला है कि डिस्क्राइब द मार्केट स्ट्रक्चर क्लोजली डेंटल प्रैक्टिस. एक हो सकता है ना कि एक लोकल विलेज में खाली एक ही डेंटल प्रैक्टिस हो, तो भाई तुम अब वो भी हो सकता है ना मोनोपोली. करेक्ट, एक ही जन है वो 3 अलग जगह ऑपरेट करके रखा है, 3 अलग जगह क्लिनिक्स खोल रखा है एक ही जन, हो सकता है. देखो ये टाइम पास का क्लास नहीं है, सबको टाइप करना है. कनिष्क, प्रेरणा, श्वेता, रितिका, जानवी, कोमल, दिस इज नॉट टाइम पास, आप लोग को टाइप करना है. यहाँ पे स्टूडेंट्स टाइप कर रहे हैं, आप लोग को भी टाइप करना है. द रीजन आई हैव केप्ट दिस क्लास इज आप लोग टाइप करो 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन. अब इंक्रीज कर दे 25.
चलो लेट्स डिस्कस क्या क्या पॉइंट्स लिख रहे तुम लोग, बाद में कंप्लीट कर लेना। पॉइंट्स आ गया ना मन में, एक बार क्या क्या लिख रहे हैं बताओ। एंट्री क्यों रेस्ट्रिक्टेड है? ठीक है, एंड टू सेटअप अ क्लिनिक ऑल्सो इट नीड्स अ कॉस्ट राइट, बिकॉज यू हैव अप्लायंसेस एंड ऑल, डेंटल में यू नीड दोज अप्लायंसेस राइट, सो इवन द कॉस्ट इज हाई टू सेटअप, सो यू कैन से समवेयर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंड यू नीड लाइसेंसेस एंड जो भी, देयर इज अ डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री इन टू द मार्केट, सो इट कैन बी कंसिडर्ड अ ऑलिगोपोली। और क्यों बोल सकते हैं? फी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो आप लोग बोल सकते हो सबसे मेन आई थिंक पॉइंट तुम लोग मिस आउट करे, फ्यू फॉर्म्स होंगे या फ्यू क्लिनिक्स होंगे, ठीक है, तो वो फ्यू फॉर्म्स फ्यू क्लिनिक्स वाला चीज तुम लोग का नहीं आया। तो देयर विल बी इन द लार्ज टाउन इटसेल्फ, देयर विल बी सम फ्यू डोमिनेटिंग फॉर्म्स विल बी देयर, एंड दे आर एबल, दे आर नाउ फ्रीली एबल टू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर द डिफरेंट सर्विसेज। एंड अगेन यहाँ पे एक चीज बोलना है कि सारे डेंटल प्रैक्टिस है, आप रूट कनाल एक जगह से भी करा सकते हो दूसरे, बट उनका स्पेशलाइजेशन टच है डॉक्टर का, क्लिनिक का, उन लोग क्या मेथड फॉलो करते हैं, तो द गुड या फिर द सर्विस इज सिमिलर बट नॉट सेम। व्हाई? बिकॉज देयर इज सम प्रोफेशनल टच, पर्सनल टच टू द सर्विस व्हिच डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशनल इटसेल्फ, एंड सो देयर आर अ फ्यू फर्म्स जिनका सेम प्रोडक्ट या सेम सर्विस नहीं है, सिमिलर है एंड देर आर सर्टेन डिफरेंसेस, तो आपका यहाँ पे ओलिगोपोली वाला अगेन नेचर आ गया। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? इसको मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्यों नहीं बोल सकते? नंबर ऑफ फर्म्स के हिसाब से मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं। अब यहाँ जब हमने इसका बात किया कि सिमिलर है बट नॉट सेम, तो ये वाला पॉइंट तो आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जाता है, है ना? तो ये पॉइंट लिखने के बाद बोल सकते हो हेंस इट कैन ऑल्सो बी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वेर यू हैव हायर नंबर ऑफ फर्म्स सिंस इट्स अ लार्ज टाउन। हाँ, सिंस इट्स अ लार्ज टाउन, तो वो आप लोग बोल सकते हो। और ये भी तो हो सकता है देर इज अ चेन, जो हम मैंने उस समय बोला कि एक ही जन ने तीन खोल लिया, सो देर इज अ चेन ऑफ क्लिनिक्स, जैसे डॉक्टर लार्स पैथ लैब ऐसा करके नहीं होता है, तो उनका क्या, उनका सेम ब्रांड नेम है बट दे हैव डिफरेंट क्लिनिक्स, उनका प्राइस फिक्स है हर क्लिनिक में, ठीक है, तो हर कस्टमर का सेम प्राइस है, बट वहां पे भी बहुत सारे रॉयल्टी फीचर्स होते हैं कि भाई एक ही जन से करवा रहे हो तो आपका कम लगेगा, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो कर सकता है उधर, करेक्ट? तो ये पॉइंट आप लोग जोड़ सकते हो कि एक ही बड़ा प्लेयर है जिसने बहुत जगह अपने क्लिनिक्स खोल दिए, ये भी एक चीज हो सकता है। और डिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स, तो ओलिगोपोली में देर इज सम काइंड ऑफ डिपेंडेंस बिटवीन द फर्म, कि एक अगर बढ़ा रहे तो दूसरा उतना बढ़ाएगा, नाउ दिस कैन बी डिफरेंशिएटेड विद द क्वालिटी ऑफ द वर्क, अगर जिनका क्वालिटी अच्छा हो सकता है दे आर चार्जिंग हायर प्राइस, दैट अगेन नॉट वेरी ट्रू बट हो सकता है वो चीज, तो वो भी पॉइंट डाल दोगे इसमें कि ये चीज भी पॉसिबल है। और क्या बोल सकते हो बताओ? यहाँ पे डिमांड क्या आपको लग रहा है? हम लोगों ने क्या पढ़ा? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है और बाकी में इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? मोनोपोली का इनइलास्टिक होता है रिलेटिवली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का इलास्टिक। क्यों इलास्टिक होता है कंपेरेटिवली? क्योंकि देर आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। तो इस केस में परफेक्टली इलास्टिक तो डिमांड नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा परफेक्टली इलास्टिक? क्योंकि यहाँ पे नेचर ऑफ सर्विस पर्सनलाइज्ड है, डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, तो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो आपका यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। सो आपका प्राइस इन इलास्टिक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नाउ डिपेंड करता है कि हो सकता है इस केस में आपका, क्योंकि ये डेंटल प्रैक्टिस यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि एक डेंटल के पास आप तभी जाते हो जब बहुत या तो इमरजेंसी होते हैं या तभी जाते हो जब यू हैव मनी टू अफोर्ड फॉर दोज थिंग्स राइट। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? परफेक्टली इन नॉट परफेक्टली बट इन इलास्टिक नेचर है राइट। अब कितना ज्यादा इन इलास्टिक है? सो इट अगेन बिकम्स अ ओलिगोपोली। और क्या हो सकता है बताओ? प्रॉफिट्स के बारे में बात कर सकते। जब आप लोग मार्केट्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो हर रेस्पेक्ट में डिफरेंस करो। नंबर ऑफ फर्म्स, हमने वो बनाया था ना पूरा टेबल, नंबर ऑफ फर्म्स हो गए, प्रोडक्ट का नेचर हो गया आपका,
उसके बाद कंट्रोल ओवर प्राइसेस हो गया, फिर प्रॉफिट्स हो गया, लॉन्ग रन में व्हाट डू यू थिंक दे विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट्स और नॉट? सुपर नॉर्मल दे विल बी एबल टू. तो यहाँ ऑलिगोपोली वाला नेचर आता है क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में लॉन्ग रन में कर सकते हैं क्या? करेक्ट. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में हम लोग बोलते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कर सकते. तो और बोलो. परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज नॉट एप्लीकेबल हियर, उसका हम लोगों ने रीजन दे दिया कि लार्ज टाउन है तो वहां पे ऑब्वियसली स्मॉल होता तो वहां हम लोग फिर भी बोल सकते, बट अगेन लार्ज है क्योंकि पर्सनलाइज नेचर ऑफ सर्विस है तो उसकी वजह से परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं होगा. ओलिगोपोली तभी होगा जब स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स है. तो आइडियली इस सिचुएशन में आपको मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन बोलना चाहिए था बिकॉज इन्होंने वर्ड यूज करा है लार्ज टाउन. सो दे विल बी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स रादर देन few firms dominating the market. वो होता small village के केस में. ठीक है, marks मिलेगा ऐसा बात नहीं है, but ज्यादा points defend नहीं कर पाओगे in case of oligopoly. ठीक है, next, propose how a dental practice in such circumstances could use non-price competition to secure market share. नॉन प्राइस बोला है तो प्राइस रिलेटेड कुछ नहीं हो सकता, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, कम प्राइस ज्यादा प्राइस डिस्काउंट ये सब नहीं दे सकते. हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आई थिंक दो सबसे मेन चीज हम लोग बात कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग और कब बढ़ेगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो दो एस्पेक्ट है, वेरी गुड जानवी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ये आप लोग के नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में कंपाइलर में मैंने लिखवाया है. तो अब इसको तुम लोग बढ़ा चढ़ा के लिखो एडवर्टाइजिंग के बारे में क्या क्या लिख सकते हो. एडवर्टाइजिंग दो चीज करता है, मेक्स द डिमांड इनइलास्टिक एंड शिफ्ट्स द डिमांड टू द राइट. ये कैसे कैसे कर सकते हैं, फेमस पर्सनैलिटीज को ला सकते हैं और पर ये एडवर्टाइजिंग का ही पार्ट है. अलग रेंज ऑफ सर्विसेज ला सकते हैं, उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं. प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या बात कर सकते हैं? सर्विस तुम कैसे बेटर कर सकते हैं? फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है, बट और कैसे डेवलप? यू कैन कॉल इन फॉर बेटर डेंटिस्ट विद more professional degree, you can have better technology. हाँ वो product development में, वो advertising में तुम डाल सकते हो, free checkups, better quality of tool used, very good जानवी. train कर सकते हैं existing dentists को, तो उनका service improve होगा. कुछ complimentary work दे सकते हैं, वो इसमें advertising में आ जाएगा. train the staff इसमें आ गया. ठीक है, तुम लोग को ऐसा नहीं है, अब ये मत बोलना कि ये जो क्वेश्चन है पेशेंट एक्सपीरियंस एनहांसेस, ठीक है, एनहांसमेंट्स ये वाला भी कर सकते हैं, ये मत बोलो कि ये है नहीं सिलेबस में. हर चीज सिलेबस का पार्ट है. आपको अगर ये पता चल जाए, जैसे यहाँ अगर ये दो वर्ड आपको मिल जाए तो एग्जामिनर पहले तो इसी से खुश हो गया. अब आप इसको और इलैबोरेट करो, विच यू कैन डू एज पर द केस स्टडी, बट जैसे हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया ये वाला, तो यहाँ अगर हम लोग को वो ही नहीं समझ में आए दैट तीन कंडीशंस हाउ पूछा है, हाउ कि वो तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रहे तो ही थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, तो वो ही आधा टाइम हम लोग नहीं रिलेट कर पाते हैं विद द मटेरियल. उसके लिए आपको मटेरियल एटलीस्ट तीन चार बार पढ़ना पड़ेगा तभी आप रिलेट कर पाओगे. आई गेस ये वाला अभी नहीं कर सकते.
ठीक है 36। नेक्स्ट पेपर जब हम जाते हैं अप्रैल 23।